दोस्तों आपका डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पर स्वागत है। ये है मेरे दोस्त महेंद्र जी, ये उदयपुर के रहने वाले हैं। ये नई वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से 100 किलो केंचे मंगाए। आप इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से केंचे की संख्या आई है। आप देख सकते हैं, पहले तो अभी मैंने जस्ट थैली खाली की है, तो किस प्रकार से केंचे की संख्या है हम खुद देख के सरप्राइज है कि मेरी एब्सेंस में घर वाले भी मुझे किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा उसी प्रकार से केंचे आए हैं। आप देख सकते हो बंस के बंस निकल रहे हैं। कम से कम 100 किलो में 1,00,000 केंचे होने चाहिए 1,000 के हिसाब से, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है 5,00,000 केंचे होंगे। 1 किलो में 5,000 केंचे होंगे। हम इंद्र जी से पूछते हैं, बताइए सर। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करने से पहले बहुत सारे वीडियो देखे और श्रवण जी का वीडियो मैंने देखा। इनकी वीडियो में जो बात इन्होंने बताई उससे ज़्यादा अच्छे केंचुए इन्होंने भेजे हैं और ज़्यादा संख्या में केंचुए भेजे हैं। निश्चित रूप से इनका काम बहुत ही विश्वसनीय है और आप जो भी वर्मी कंपोस्ट से जुड़ना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से श्रवण जी से आप केंचुए खरीदें। बहुत अच्छी संख्या मिलते हैं और एक पूरा गाइडेंस और कोऑपरेशन भी हमको देते हैं। सर एक चीज़ तो ये है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चीज़ कही, लेकिन मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँ, केंचुए आप कहीं से भी खरीदे, आप ध्यान रखें केंचुए इस प्रकार से होने चाहिए कि आपका मन खुश हो। आप देख सकते हैं कि मेरे जी इसमें भी नीचे चले गए, केंचुए इसमें भी ऐसी प्रकार से थे। मैं आपको कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई आपके जो जो है वो सामने है, रियलिटी है। तो इस प्रकार वंश में केंचुए होने चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरे भारत देश को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।